हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं सीबीएसई सैंपल पेपर सॉल्यूशंस क्लास 10 बेसिक मैथ्स के लिए ये फुल सॉल्यूशन इन वन वीडियो। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्टैंडर्ड वालों के लिए भी, तो ये स्टैंडर्ड वाले भी इसको जरूर वॉच करें, क्योंकि कई बार हम कुछ क्वेश्चंस को इसलिए छोड़ देते हैं कि वो इजी है, वी कैन अटेम्प्ट दैट, बट बेसिकली हम मिस्टेक्स उन्हीं क्वेश्चंस में करके आते हैं। तो स्टैंडर्ड वालों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक वालों के लिए तो है ही है। तो ये वीडियो जो है इसमें पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है 50 क्वेश्चंस का, और इसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में हर सोल्यूशन बताया गया है। तो ये वीडियो क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 6 to 50, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं दैट इज 6 से लेकर 50 तक नंबर्स हैं। सो यहाँ पर टोटल नंबर्स जो है वो कितने हैं, 45 है। ये मैंने कैसे पता लगाया, अब ये देखो 6 से लेकर 50 तक है, तो ऐसे काउंट करना मुश्किल है। तो पहले देख लेते हैं 6 से लेकर 10 तक कितने नंबर्स हैं, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, पांच नंबर्स हो गए। ठीक है, तो 5 और 10 से लेकर 50 तक कितने नंबर हो गए, 40 नंबर्स हो गए, है ना। तो 5 + 40 कितने हो गए, 45 नंबर्स। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ से निकाला है टोटल नंबर 45। क्या प्रोबेबिलिटी है दैट अ ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हम परफेक्ट स्क्वायर लिख लेते हैं 50 तक, 4, 9, 16, 25, 36 and 49, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। बट रेंज हमें गिवन है कि 6 से लेकर 50 तक ही चूज करने हैं, तो हम ये 4 वाला नहीं कंसिडर करेंगे, ये सारे ले लेंगे। ठीक है ना, तो कितने नंबर्स हो गए, ये हमारे आउटकम्स हो गए 5, और टोटल नंबर्स कितने हैं, 45। सो इसको कैंसिल करेंगे, आंसर इज 1/9। तो क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 42 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन में 42 सेंटीमीटर हमें डायामीटर गिवन है, रेडियस आ गया 21, डिवाइड कर दिया 2 से, और हमें एंगल सबटेंडेड जो गिवन है दैट इज थीटा 60 डिग्री एट द सेंटर, और हमें पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। सो लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड करनी है। सो लेंथ ऑफ आर्क, ये हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2πr। जब आपने एरिया निकालना होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर लेंथ निकालनी हो तो 2πr। ठीक है, तो थीटा कितना गिवन है, 60/360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 21। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 1/6 आ गया, ये हो गया 7 3s, 3 1s, 3 2s, 6 2 2 कैंसल, बचा गया 22। सो आंसर इज 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ फॉर्मूला आपने पुट करना है, वैल्यूज आपको सारी दे रखी है, वैल्यूज आपने पुट करके आंसर को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, साइन थीटा की वैल्यू है एक्स, ठीक है, और सीकेंट थीटा की वैल्यू वाई, टैन की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, सो टैन होता क्या है, बेसिकली टैन होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, मतलब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है एक्स, यहाँ पे पुट कर सकते हो, और दूसरी चीज गिवन है मुझे सीकेंट थीटा इज इक्वल टू वाई। सीकेंट नहीं चाहिए मुझे, मुझे पता है कि कॉज और सीकेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो कॉज और मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/cos θ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करती हूँ, इस वाई को इधर ले आती हूँ और कॉस थीटा को इधर ले जाती हूँ। सो ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/y। तो आगे वैल्यू साइन और कॉस दोनों की यहाँ पुट कर देते हैं, तो साइन की वैल्यू है एक्स और कॉस की वैल्यू है 1/y। ठीक है, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये ऊपर चला जाएगा, वाई अपॉन वन हो जाएगा। सो आंसर क्या आया, एक्स वाई, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर हम कह सकते हैं टैन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स वाई। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0। सो इसको ग्राफ पे हम बनाकर देखेंगे, तो y इज इक्वल टू 0 का मतलब है दिस इज रिप्रेजेंटिंग x एक्सिस, है ना, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0 होता है, और y इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, x एक्सिस में, मतलब ये वाली लाइन आई है, ठीक है, जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, ये y इज इक्वल टू 0 है। y इज इक्वल टू -5, तो -5 कहीं यहाँ पर होगा, ये माइनस के होते हैं y, ठीक है, ये -5 यहाँ पे होगा, तो वो भी पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है, तो ये दो लाइंस हैं, और ये दोनों लाइंस कैसी बन रही हैं,
पैरेलल लाइंस बन रही हैं. तो पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर, सो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फेयर डाइस इज थ्रोन वंस. तो जब एक डाई थ्रो करते हैं तो उसकी सैंपल स्पेस क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये इसकी सैंपल स्पेस है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर. अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं इवन नंबर कौन से है. इवन नंबर है हमारे पास 2, 4 एंड 6. ठीक है, बट उसने क्या बोला है? इवन कंपोजिट नंबर. ठीक है, इवन कंपोजिट इसमें कौन से हैं? क्योंकि 2 तो क्या है? हमारा प्राइम नंबर है. 4 और 6 क्या है? इवन कंपोजिट नंबर है. ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 2. ठीक है, एक नंबर और दो नंबर, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, तो 2/6 आ गया, यानी कि 1/3. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. 8 chairs and 5 tables cost rupees 10500. अब जिसने ये लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है वो ये क्वेश्चन को बहुत जल्दी आंसर कर लेगा. लेट मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ वन चेयर x है और टेबल्स y है. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई 8x + 5y = 10500 एंड 5 chairs (5x), 3 tables (3y) = 6450. ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है. हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, मतलब इस क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू फाइंड करनी है. पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ x फाइंड करना है. x आप एलिमिनेशन मेथड से फाइंड कर सकते हो, तो y मैं एलिमिनेट कर देती हूँ तो x की वैल्यू मुझे आराम से मिल जाएगी. तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनके कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे. सो इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, इस पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. सो दिस इज 24x + 15y और ये हमारे पास आ जाएगा 31500. ठीक है, यहाँ पर आ गया 25x और 3 5 15y और ये मल्टीप्लाई करके आएगा 32250. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे. अब ये 15 15 कैंसिल हो गया, ये बचा -x और ये आएगा -750. ठीक है, तो 750 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 750, यानी कि ईच चेयर की कॉस्ट कितनी है? ₹750. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. अब यहाँ देखो cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन है 1. ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है sin स्क्वायर थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा. तो पहले मुझे जो गिवन है पहले मुझे वहां से कुछ निकालना पड़ेगा. इस cos स्क्वायर थीटा को मैं राइट साइड पे लेके जा रही हूँ, 1 - cos² θ. ठीक है, और मुझे अपनी आइडेंटिटी अच्छे से याद है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1. ठीक है, और अगर मैं इस आइडेंटिटी में इस कॉस को उधर ले जाऊं तो 1 - cos² θ की वैल्यू क्या आ रही है? साइन स्क्वायर थीटा, जो कि मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ. साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई cos थीटा. ठीक है, ये मैंने यहाँ से जो मुझे गिवन था वो मैंने निकाल लिया. ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? मुझे वैल्यू फाइंड करनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा. अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो मुझे मिल गई है कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ कॉस थीटा. ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकती हूँ. और इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की मुझे पता ही है क्या है? कॉस थीटा. ठीक है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ये आ गया इधर कॉस थीटा. ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन थी कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, आंसर तो बहुत सिंपली आप निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23 / 2³ (3) / 5² विल बी. अब हमें यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ऑप्शंस देखिए इसमें हमें सॉल्विंग पार्ट नहीं गिवन है, मतलब सॉल्यूशन नहीं देना है इसका. हमें सिर्फ बताना है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसा है, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है. सबसे पहली बात जो इसका डिनोमिनेटर आपने चेक करना है उसमें क्या होना चाहिए, 2 की पावर होनी चाहिए और 5 की पावर होनी चाहिए, तो वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है.
पहली कंडीशन तो ये, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, न्यूमरेटर में कुछ ऐसा यहाँ पर नंबर होना चाहिए जो ये 2 और 5 दोनों से कैंसिल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है दिस इज अ प्राइम नंबर, तो ये तो कैंसिल होगा नहीं 2 या 5 से, ठीक है। तो ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इस नंबर की क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। एलसीएम में हर नंबर लेना होता है और जो नंबर लेना होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं ऐसे। तो अगर नंबर 2 ले रहे हैं तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 3 लेंगे, और 3 लेना है तो 3 की पावर 3 लेनी है, ठीक है। सो दिस इज द एलसीएम ऑफ दीज बोथ नंबर्स। सो ये हो गया, इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ऑप्शंस में सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो ये ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। दिस इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। जस्ट एलसीएम में याद रखना है नंबर सारे लेने हैं और जो नंबर लेना है आपको उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960, ठीक है। तो यहाँ पर एच सी एफ दो नंबर्स का गिवन है आपको, एच सी एफ 18 गिवन है और उसका प्रोडक्ट, ठीक है ना, मतलब दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 12960 गिवन है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है एक फॉर्मूला, HCF into LCM is equal to product of two numbers, है ना। HCF कितना गिवन है 18, LCM मुझे निकालना है, प्रोडक्ट कितना गिवन है 12960, तो सिंपल इसे डिवाइड कर दो, 12960 डिवाइडेड बाय 18, सो ये आपके पास आ जाएगा 720। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आ गया, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी। अब ये गिवन है कि ये जो डी ई है दिस इज पैरेलल टू बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। अब अगर बीपीटी लगनी होती तो सीधे यहाँ पर लग जाती, अगर ये मुझे एक्स गिवन होता और ये मुझे वाई गिवन होता तो मैं सीधे बोल देती एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पर इसके साथ इसका रिलेशन देखना है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, दोनों ट्रायंगल्स, छोटा वाला ट्रायंगल, ये जो ए डी ई ट्रायंगल है दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये वाला ए डी ई वाला, ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होता है, ठीक है। अब ये आपको प्रूव करके वहां दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस इज एमसीक्यूज, ठीक है। तो अब मैं रीजंस आपको बता देती हूँ, दोनों में देखो एंगल, ये एंगल कॉमन है और ये वाला एंगल भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे, ठीक है, ये होगी एक तो बात, ठीक है। अब इनके साइड्स ले लेते हैं, साइड्स कैसे लेंगे, यहाँ से ए डी, ठीक है, और यहाँ से ए बी, ए डी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है, जो साइड मुझे चाहिए नहीं यहाँ पर। अभी दूसरी बार लेंगे डी ई और बी सी, डी ई डिवाइडेड बाय बी सी, और तीसरी बार ए ई डिवाइडेड बाय ए सी, ए ई डिवाइडेड बाय ए सी। अब जो जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देते हैं, डी ई की वैल्यू है एक्स, बी सी की वैल्यू है वाई, ए ई की वैल्यू है ए, ठीक है, और ए सी की वैल्यू, ये देखो ये पूरा ए सी है तो इसकी वैल्यू ए है और बी है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी। इस वाई को उधर ले जाती हूँ, ठीक है, और इस एक्स को इधर ले आती हूँ, एक्स इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए वाई, सो एक्स इज इक्वल टू हो गया ए वाई डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, है ना, मैं इस ए प्लस बी को इधर ले आई, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट। तो एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं हम, ठीक है, ए है हमारा 1.3 और बी है हमारा 4.6, ठीक है। इंटरनली इसको 2:1 में डिवाइड किया गया है, एक पॉइंट है यहाँ पर पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, दिस इज एक्स वन वाई वन, दिस इज एक्स टू वाई टू एंड दिस इज एम वन एम टू, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज में शॉर्टकट वे सिखाया था इसका, एम वन एम टू एक्स वन एक्स टू ऐसे लिख लो, ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एम वन एम टू वाई वन वाई टू ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब फॉर्मूला कैसे लिखना है, पी एक्स वाई एम वन एक्स टू, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू कॉमा एम वन वाई टू एम टू वाई वन एम वन प्लस एम टू, ऐसे आप फॉर्मूले भूलते नहीं है, ठीक है। सो पुट करो वैल्यूज, 2 × 4 + 1 × 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1,
एम वन बाई टू, टू इंटू सिक्स प्लस एम टू हो गया वन इंटू थ्री, टू प्लस वन, ठीक है, एट प्लस वन नाइन डिवाइडेड बाई थ्री, और ये हो गया टू इंटू सिक्स ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन डिवाइडेड बाई थ्री, कटिंग करके आ जाएगा ये थ्री और ये फाइव, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, थ्री कॉमा फाइव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो जब आप लेबलिंग सही करते हैं, फॉर्मूला ठीक लिखते हैं, तो वैल्यूज पुट ठीक करते हैं, तो आंसर ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमें 3825। सो हम ट्राई करते हैं सबसे पहले 3 के साथ, ठीक है, क्योंकि पीछे 5 है तो 2 के साथ तो जाएगा नहीं, 3 वन्स आ, 3 टूज आ 6, 2 ले, 2 बैलेंस रह गया, 22 सेवन्स आ, तो 21 5 पे जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार 3 पे चला जाएगा, 3 फोर्स आ 12, देन 3 टूज आ 6, 3 फाइव्स आ, अब नहीं जाएगा 3 पे, 5 पे करो, 5 एट्स आ 40 एंड फाइव सा, देन अगेन फाइव पे, फाइव वन सा एंड फाइव सेवन सा, एंड दिस इज 17 पे जाएगा, सॉरी यहाँ पे वन आएगा, ठीक है। तो हमारे पास बना 3 × 3 × 5 × 5 × 17, तो आंसर क्या आया, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17। अब जब आपने ऑप्शंस चूज करने हैं ना, तो तब आपने बड़ा ध्यान रखना है, कई बार हम आंसर ठीक निकाल लेते हैं और ऑप्शंस चूज करते टाइम गलत हो जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बन रहा है, दिस इज सी, 3² 5² 17, ठीक है, कंफ्यूजन के लिए उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन साथ में ऐसे दिए होते हैं, राइट, तो बहुत ध्यान से आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 14 आ गया, इन द फिगर गिवन बिलो एडी गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर, तो ये देखो एडी हमारा 4 सेंटीमीटर गिवन है, और बीडी मुझे गिवन है 3 सेंटीमीटर, हमें ये सीबी फाइंड करना है, सीबी गिवन है 12 सेंटीमीटर, और मुझे कॉट थीटा फाइंड करना है, ठीक है, कॉट थीटा फाइंड करना है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसका बेस तो है क्योंकि थीटा आपका यहाँ है ना, थीटा आपका यहाँ है, तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर मैं निकाल सकती हूँ इस ट्रायंगल को यूज करके, देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इसमें पाइथागोरस लग सकती है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बी डी की वैल्यू 3 है और ए डी की वैल्यू 4 है, 9 + 16 = 25, रूट ऑफ 25 कितना हो गया 5, वैसे भी याद ही रख लो 3, 4 जब हो तो हमारी जो दूसरी साइड बनती है वो 5 ही बनती होती है, ठीक है, ये आ गया 5। आप लगाओ इस पे फॉर्मूला, बेस क्या है इसका 12, ठीक है ना, इस यहाँ पर थीटा 12, और ये परपेंडिकुलर क्या आ गया आपका, ये ए बी 5, ठीक है, सो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई ऑप्शन नंबर डी 12/5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, बड़ा ही सिंपल है, इफ एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, हमें पता है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सो एक्स प्लस वाई 12 हो गया, ये देखो लेंथ इक्वल कर दी और ये हो गई ब्रेथ, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है, हमें एक्स वाई वैल्यू फाइंड करनी है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक्स प्लस एक्स 2x, इवन साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, ठीक है, तो 12 + 8 कितना हो गया 20, तो x की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस में चेक करोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें x की वैल्यू 10 है, बट स्टिल अपनी तसल्ली के लिए y भी चेक कर लेना, ठीक है, तो x प्लस वाई 12 है, तो x अगर 10 है तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये फ्यू सेकंड्स में आप चाहे बिना सॉल्विंग के भी इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, माइंड में ही ये सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 16, इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, हमें गिवन है ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो ये आइसोसेलस है, ठीक है, और दूसरी चीज मुझे गिवन है यहाँ पर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर है, ठीक है, इस ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है, और ए सी और बी सी क्या है, बराबर है, तो एक ए सी की जगह पर मैं एक बी सी लिख रही हूँ, तो ये देखो ये पाइथागोरस अप्लाई हो रही है ना, और जहां पर पाइथागोरस अप्लाई होती है वहां पर एंगल क्या होता है 90 डिग्री, यानी कि सी क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है,
ठीक है, ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है कि अगर हमारे पास कहीं पर एक ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई हो रही है तो वहां पर एक एंगल जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आपके जो चैप्टर नंबर 6 है उसकी लास्ट एक्सरसाइज है, उसमें से ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ माइनस वन इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, एक इसकी जीरो गिवन है, तो मान लेते हैं इसकी दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, बी द टू जीरोस, ठीक है, और एक जीरो की वैल्यू मुझे गिवन है, ठीक है, अदर जीरो मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू माइनस वन गिवन है, बीटा मुझे फाइंड करना है। अब मुझे क्या क्या गिवन है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस एट इसकी क्या है, पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, वन, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस सेवन, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस एट। मैं लगा रही हूँ सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस वन, बीटा की मुझे फाइंड करनी है, और बी और ए की वैल्यू मुझे यहाँ से इक्वेशन से मिल जाएगी, माइनस माइनस सेवन, ए की वैल्यू वन है। ठीक है, माइनस वन प्लस बीटा, ये आ गया सेवन अपॉन वन। ठीक है, यहाँ वन नीचे से हटाई देते हैं, ठीक है, सेवन ही आ गया, सो इसको वन को उधर ले जाएंगे, सेवन प्लस वन यानी कि एट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक और वे है इसको सॉल्व करने का, आप ये ऑप्शंस में से चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पर पहले आप माइनस एट डाल के देखो, मतलब अगर कोई जीरो इसको सेटिस्फाई करती है, मतलब पुट करने पे वैल्यू जीरो आती है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो इसका करेक्ट आंसर है, बट वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ये प्रोसेस थोड़ा इजी है। ठीक है, जब आपको एक जीरो गिवन है, हमारी कोई इक्वेशन गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, तो सम ऑफ जीरोज लगा के देखो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगा के देखो, दोनों में से किसी ना किसी से आंसर आपका जरूर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 18, इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ अ डाइस, तो पेयर ऑफ डाइस में हमेशा हमारे पास कितने आउटकम्स होते हैं, 36। ठीक है, स्क्रीन पे यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा 36 आउटकम्स होते हैं टोटल जब हम पेयर ऑफ डाइस थ्रो करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाई, तो सेम नंबर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आउटकम्स होते हैं, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, ये 6 आउटकम जो होते हैं जिसमें हमारे पास सेम नंबर आता है डाई पे। ठीक है, फर्स्ट डाई पे भी और सेकंड डाई पे, तो 6 आउटकम्स हो गए, यानी कि आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, 1/6। अगर आपका लॉजिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको कुछ भी यहाँ राइट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मतलब बहुत ही फ्यू सेकेंड्स में, मतलब बहुत जल्दी आप इन क्वेश्चन को आंसर कर लेंगे। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ 3P,4 एंड -2,2Q इज 2/2,6, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से है, जिनको मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है वो तो बहुत ईजी से ही क्वेश्चन कर लेंगे। सो मैं पहला पॉइंट है मेरा 3P,4 और दूसरा पॉइंट है -2,2Q और ये 2,6 इसका मिड पॉइंट है। लेट मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये एम इसका मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हमें 2,6 की बने, और ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 और ये हमारा y2 है। 3p प्लस प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, -2 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर 4 प्लस 2 क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब ये वाले को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और 6 वाले को इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो दो बनाएंगे, 3p-2/2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर बनेगा 4 प्लस 2 क्यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये 4 हो गया, ये 2 उधर जाके प्लस हो गया 6, तो p की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ये भी इधर चला जाएगा, 4 प्लस 2 क्यू 12 हो गया, 2q इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाके माइनस का हो गया, तो q की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो वैल्यू मुझे p और q की अलग अलग नहीं मांगी थी, बोला था p प्लस q की वैल्यू फाइंड करो, तो p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 4 है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर b, दैट इज 6। नेक्स्ट सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर लास्ट 20, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147/120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। जब कहीं ऐसे नंबर्स हो तो हमने पहले उनको हमने इनको प्राइम फैक्टर्स में चेंज करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर 7 पे अगर मैं जाऊँ, ठीक है, तो 21,
तो 7 3s are 3 1s are, ठीक है, ऐसे हो गया। और 120 को भी कर लेते हैं, 2 पे जाएगा सबसे पहले 30, और 2 पे 15, 3 पे 5 पे, ठीक है। तो मतलब 147 को मैंने ब्रेक किया है 3 × 7 × 7, और इसको ब्रेक किया है 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है, ये हो गया। पहले तो जो कटिंग हो रही है वो कैंसिल करते थे, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, और कुछ कटिंग नहीं हो रही है, तो ऊपर बन गया 49 और नीचे बन गया 2 की पावर 3 और साथ में 5 की पावर 1, ठीक है। अब सबसे पहली बात, 49 जो है वो 2 और 5 दोनों से कट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है, ये तो उसने कहा ही था। बट हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो हम सॉल्विंग पार्ट पे अगर आए तो हमें ये दोनों की पावर सेम करनी होती है, तो हम इसको 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ सॉल्विंग पार्ट नहीं पूछा है, आपको सिर्फ इतना पूछा है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो आपने जिसकी हाईएस्ट पावर होगी ना उतनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। मैं सॉल्व भी आपको करके बता देती हूँ कैसे करना है, बट आपने वहां पर सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, जिस नंबर की हाईएस्ट पावर है चाहे 2 की चाहे 5 की, उतने प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 3 है तो आंसर आएगा 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों की पावर सेम कर देते हैं ना, 2 की पावर 3 और यहाँ पर 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये टोटल अगर करेंगे हम 49 × 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 की पावर 3, ठीक है ना। तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। नो नीड टू सॉल्व जब तक कहा ना हो, आपने अब एमसीक्यूज करने हैं तो थोड़े से आपको ये ट्रिक्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू सेक्शन नंबर बी, इसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 16 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21, द पैरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियसेस आर, ठीक है, तो हमें सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है इस तरह से कुछ, ठीक है, इसका हमें बेसिकली पैरीमीटर फाइंड करना है। सो पैरीमीटर अगर हम पूरी बात करें तो पैरीमीटर ऑफ अ सर्कल कितना होता है, ठीक है, ये पैरीमीटर है सर्कल का, दिस इज 2πr, हमें अच्छे से पता है। तो अगर मैं सेमी सर्कल की पैरीमीटर की बात करूं तो दैट इज πr, है ना, हाफ हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब पेरीमीटर होता है बॉर्डर, बॉर्डर पे चलना, है ना, पेरीमीटर का मतलब है यहाँ यहाँ चलना, ठीक है, बट ये भी है ना, ये भी तो प्रोटेक्टर का हिस्सा ही है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली डायामीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, और जिसका रेडियस मुझे गिवन है, तो मतलब अगर ये सेंटर पॉइंट है तो ये भी आर है, तो ये भी आर है, तो कितना हो गया, डायामीटर 2r हो गया, तो पाई आर प्लस 2r हो गया। इसकी सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर की जो पैरीमीटर है, दिस इज पाई आर, ठीक है, प्लस 2r, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने पाई आर भी ऑप्शन में गिवन है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी में ये भूल नहीं जाना, पैरीमीटर का मतलब होता है बॉर्डर, बॉर्डर पे चलना सिर्फ, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा भी तो प्रोटेक्टर का ही है ना, तो ये डायामीटर है, तो रेडियस आर है, तो डायामीटर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बहुत सिंपल है, इफ पी डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी किसके किसके बीच में लाया करती है, 0 और 1 के बीच में लाया करती है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट आंसर है, 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है, सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी 90 है, तो यहाँ पर हम पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इजी करने के लिए, तो यहाँ पर बी 90 है, सो दिस इज ए एंड दिस इज सी, ठीक है, और ये बी डी यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, बी डी इज परपेंडिकुलर टू सी, ठीक है। अब यहाँ पर ए सी आपको गिवन है पूरा का पूरा 9 सेंटीमीटर और ए डी आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अगर मैं ये साइड निकालना चाहूँ तो ये 6 आ जाएगी, है ना, पर मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करनी है ये वाली साइड बी डी, मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है इसका। तो यहाँ पर अब देखो, अगर मैं सारे ट्रायंगल्स को देखूं ध्यान से, तो मुझे किसी भी ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड्स गिवन नहीं है जहां से मैं फटाफट से पाइथागोरस लगाऊं और निकाल लूं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे बी डी निकालने के लिए अगर मैं इस ट्रायंगल बी सी डी को भी यूज करती हूँ तो मुझे ये वाली साइड चाहिए होगी, ठीक है ना, और इस वाले ट्रायंगल को यूज करके भी मैं कुछ नहीं निकाल सकती क्योंकि ये साइड गिवन नहीं है और ये भी गिवन नहीं है, बी डी भी गिवन नहीं है, ए बी भी गिवन नहीं है,
तो ऐसे केस में हमने हमेशा ट्रायंगल की सिमिलैरिटी वाली चीज लगानी है एंड ट्रायंगल बी डी सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो ये ट्रायंगल्स ले रहे हैं, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, ये हमारी थ्योरम है एक चैप्टर में। ठीक है, वो ये कहती है कि जब हम ऐसे इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टू द हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो वहां पर हमारे सारे ट्रायंगल्स जो है वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ठीक है, आप चाहे तो थ्योरम आई थिंक 6.7 है आपकी बुक में, आप इसमें से जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब भी इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल, तो वहां पर सारे छोटे छोटे ट्रायंगल्स है वो आपस में एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं ये दोनों की बात करूं, तो ये दोनों अगर सिमिलर है ट्रायंगल्स, ठीक है, तो इनकी साइड्स की रेशियो ऐसे लिख सकती हूँ AD by BD, ठीक है, इज इक्वल टू DB by DC, DB by DC इज इक्वल टू AB by BC, AB by BC। तो जो जो मुझे चाहिए वो मैं रख लेती हूँ। AD की वैल्यू मुझे गिवन है 3, BD की वैल्यू मुझे निकालनी है, BD की वैल्यू मुझे निकालनी है और CD की वैल्यू मेरे पास 6 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BD स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 6 यानी कि 18 आ गया, BD और रूट हो गया 18 का, तो रूट ऑफ 18 सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 2, 2 × 3 × 3 है ना, 2 × 3 = 6, 3 = 18। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 आ जाएगा बाहर, तो ये आ गया 3√2 cm। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। तो डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन वो इस केस में होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो पहले इक्वेशंस में लेफ्ट राइट साइड पे हमें 0 बनाना होगा, तो इस 3 को मैं इधर ले आई, ठीक है, इस 3 को मैं इधर ले आई और इस 8 को भी मैं इधर ले आई। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने बना दिया है। ठीक है, अब a1 की वैल्यू लिखो 3, b1 की वैल्यू 5 और c1 की वैल्यू -3, a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू -8। यहाँ पुट कर देते हैं, 3/6 इज इक्वल टू 5/k इज नॉट इक्वल टू -3/-8। तो हम बारी बारी से इनको सॉल्व करेंगे, एक बार इक्वल टू के वाले को और एक बार नॉट इक्वल टू वाले को। ठीक है, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3k इज इक्वल टू 30, तो k आ गया 10। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन नंबर बी आ ही चुका है, बट स्टिल हमें इस वाले पोर्शन को भी चेक करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -40 इज नॉट इक्वल टू -3k, तो -- कैंसल, 40/3 इज नॉट इक्वल टू k, तो ये वाला ऑप्शन में तो है ही नहीं है, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 2π to 4π, और एरिया कैसे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कमफेरेंस क्या है, 2π से 4π चेंज हो रहा है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr। तो 2πr अगर 2π के इक्वल है ना, 2π है ना पहले, तो यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालूं, तो r की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। दूसरी बार 2π कैपिटल R ले लेते हैं, दूसरी बार जो सर्कमफेरेंस है वो 4π हो रहा है, तो यहाँ से अगर मैं कैपिटल R निकालूं तो वो आ जाएगा 2, है ना, पहली बार 2π है, फिर 4π चेंज हो रहा है, तो पहली बार रेडियस 1 है और दूसरी बार r क्या है, 2 है। सेम एरिया लगाते हैं, एरिया क्या होता है, πr² ठीक है, πr² मतलब π × 1 का स्क्वायर, तो पाई हो जाएगा, और दूसरी बार अगर मैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर चेक करूं, तो π × 2 का स्क्वायर होगा 4π, तो पहले पाई है और फिर 4π हो रहा है, तो पहले यहाँ पर क्या था, 2π से 4π डबल हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 times। अगर सर्कमफेरेंस आपका डबल हो रहा है तो एरिया क्या होता है, 4 times होता है ओरिजिनल टाइम्स, तो 4 times द ओरिजिनल एरिया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, साइन थीटा की वैल्यू है a/b, टैन थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उस पे ऐसे क्वेश्चंस थे हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, तो पंडित भद्री प्रसाद हरि हरि बोल साइन कॉस टैन। ठीक है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही है ना, ये देखो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं हम सबसे पहले, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके साइन थीटा, तो थीटा आपका यहाँ पर है, सो परपेंडिकुलर है आपका ए और हाइपोटेन्यूस आपका बी। ठीक है, ये ट्रायंगल मैं बना लेती हूँ, ए बी एंड सी।
ठीक है, इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले इसका बेस फाइंड करना है, तो पाइथागोरस से फाइंड कर सकती हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका बेस आ रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट आ रहा है। तो अब देखो यहाँ से, या तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है या ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है यही है। तो टैन थीटा देख लेते हैं, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखो टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए, बेस क्या है रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एक्स की वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर थीटा और वाई की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, एक्स प्लस वाई निकालना है तो वैल्यूज पुट करो, 2 साइन स्क्वायर थीटा और वाई की वैल्यू है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 2 इंटू 1 प्लस 1, सो दैट इज 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको आइडेंटिटीज आती हैं तो बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कुलर, तो हमारा सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। दूसरी बात की गई है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, किसके बीच में डिफरेंस है रेडियस और सर्कमफ्रेंस, यानी कि 2 पाई आर माइनस आर कितना है यहाँ पर 37 है। ठीक है, यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है और आपको निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस आपको कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर निकालना है, तो पहले इस इक्वेशन से हम आर निकाल लेते हैं। सो आर मैं कॉमन ले रही हूँ, अंदर आ गया 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37, आर कॉमन आ गया, 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37, आर इंटू 44/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37, इसका अंदर एलसीएम ले लो, 44-7 इज इक्वल टू 37, सो ये हो गया 37/7 इज इक्वल टू 37, 37 37 कैंसिल, सो बचा क्या आर बाय 7 इज इक्वल टू 1, यहाँ तो 1 बचा और ये आर बाय 7, इसको इधर ले जाओ तो आर आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर आ चुका है, बस सर्कमफ्रेंस में वैल्यू पुट करो, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आ गया 7, 7 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 44 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस आ गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10 बोथ इंक्लूसिव। ठीक है, अब यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये नंबर्स है, इनका लीस्ट नंबर, तो हमने इस केस में एलसीएम फाइंड करना होता है, तो ये सभी नंबर्स का मुझे एलसीएम फाइंड करना है। तो 1 का 1 रहा, 2 इंटू 1, पहले प्राइम फैक्टर्स में उसको स्प्लिट करना पड़ेगा ना सभी को, तो 2 इंटू 2, 5 का 5 इंटू 1, 6 का 2 इंटू 3, 7 का 7 इंटू 1, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 का 3 इंटू 3, और ये 10 का 2 इंटू 5। ठीक है, अब जिनकी ये ऐसे पावर्स बन रही हैं वैसे पावर्स बना लेते हैं, ये 3 की पावर 2 हो गया और ये 2 की पावर 2 हो गया। ठीक है, तो एलसीएम हमें लेना है। ठीक है, एलसीएम के लिए हम सारे नंबर्स लेते हैं और जो नंबर लेना है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, सारे नंबर्स मतलब 1 भी लेंगे 2 लेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर लेंगे, तो 2 की हाईएस्ट पावर है 3। ठीक है, देन 3 की हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 2, दिख रहा है ना आपको। नेक्स्ट 4 तो ऐसे लेना नहीं क्योंकि वो 2 इंटू 2 ही बन गया था। ठीक है, 5 लेंगे, देन 6 भी 2 और 3 इंक्लूड हो गए हैं, देन 7, ठीक है, देन 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, है ना, तो यही बचता है हमारे पास। तो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, सो दिस इज 8 5 सा 40 और 9 7 सा 63, सो हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल कम आउट टू बी 2520, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बेल्स रिंग्स एट द इंटरवल्स ऑफ 4, 7, 14 मिनट्स. ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है जब एमसीक्यूज करवाए हैं. तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, थ्री बेल्स रिंग एट 3, मतलब ऐसे मिनट्स पे बज रही है, रिंग एट इंटरवल्स ऑफ, ऑल थ्री रैंग एट 6 AM, when will they ring together again? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है कि वो दोबारा कब एक साथ रिंग करेंगी, तो आपने हमेशा इस केस में क्या फाइंड करना है, LCM. सो LCM लेंगे हम यहाँ पर 4, 7 और 14 का. तो 4 को पहले प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो 2 into 2, 7 को करोगे तो 7 into 1 ही रहेगा, और 14 को करोगे तो 2 into 7 हो जाएगा. इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना. तो LCM के लिए हम नंबर सारे लेते हैं और नंबर की हाईएस्ट पावर लेते हैं. सो 2 की पावर 2 लेंगे और साथ में 7. 2 की पावर 2, 4 इंटू 7 यानी कि 28. सो यानी कि ये 3 जो है बेल्स, 6 बजे अगर बजी थी तो 28 मिनट बाद ये फिर से दोबारा रिंग होंगी. तो टाइम कितना हो जाएगा, 6:28 AM, ठीक है. तो ये इसका आंसर है. तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द एज ऑफ द फादर इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन. तो फादर की एज मान लेते हैं एक्स और सन की एज मान लेते हैं वाई. तो क्या बोला, सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 65, यानी कि एक्स प्लस वाई कितना गिवन है, 65. एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस. तो पहले डिफरेंस ऑफ एजेस, डिफरेंस ऑफ एजेस का मतलब हो गया एक्स माइनस वाई, और उसका ट्वाइस वो कितना है, 50 है, ठीक है. तो इससे ये पहली इक्वेशन बन गई और ये दूसरी इक्वेशन बन गई. इस दूसरी इक्वेशन में ये 2 को इधर लेके जा सकती हूँ मैं, बिल्कुल लेके जा सकती हूँ. तो ये बन गई एक्स माइनस वाई 25 हो गई. तो ये तीसरी इक्वेशन बन गई. तो मैं अब सॉल्व करूंगी इस थर्ड इक्वेशन को और हमारी फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है. और मुझे एक तो बात यहाँ पर सारा सॉल्व नहीं करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पर फादर की एज बतानी है. तो फादर को मैंने क्या माना था, x, मतलब मुझे x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, ठीक है. तो मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करती हूँ. x प्लस वाई 65, x माइनस वाई 25, ठीक है. सो y y कैंसिल, सो 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 to 10 हो गया, 6 to 8 19 हो गया. सो एक्स आ गया 45. सो 45 ईयर्स एज है फादर की, ठीक है. क्वेश्चन 32, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन थीटा कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा सेकेंट थीटा का होल स्क्वायर. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है. तो हम टैन को कैसे लिख सकते हैं, हम टैन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है ना. कोसेकेंट किसके रिलेटेड होता है, साइन के. तो 1/sin लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, क्या होल स्क्वायर. यहाँ पर साइन को साइन ही रहने देते हैं और सीकेंट थीटा को मैं लिख रही हूँ 1/cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है. इनके बीच में भी मल्टीप्लीकेशन का ही साइन है. ये साइन और साइन कैंसिल हो गया, 1/cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना. 1/cos क्या होता है, 1/cos सीकेंट थीटा होता है ना, ठीक है. 1/cos secant थीटा का होल स्क्वायर हो गया. साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है. तो टैन थीटा का होल स्क्वायर होता है. अगर मैं इसको लिखूं तो secant स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए. अब मुझे एक आइडेंटिटी बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है, 1+tan² θ इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है. अगर मैं इस टैन को उधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा secant स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा. इसी की तो वैल्यू मैं मांग रही हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 है. तो इसकी वैल्यू है 1. तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक. नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33, द पेरिमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 26 and 39, ठीक है ना. तो पेरिमीटर की जो रेशियो होती है वो दो सिमिलर ट्रायंगल्स की वो साइड की भी रेशियो होती है. मतलब मान लेते हैं कि हम यहाँ पर दो ट्रायंगल्स है हमारे पास, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और पी क्यू आर. तो ये ट्रायंगल्स हमें सिमिलर गिवन है, ठीक है ना. तो जो पेरीमीटर है ट्रायंगल ए बी सी का और पेरीमीटर है ट्रायंगल पी क्यू आर का, उसकी रेशियो साइड की रेशियो के भी इक्वल होती है, ठीक है. यानी कि ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर या ए सी बाय पी आर, ठीक है, किसी की एक साइड की रेशियो भी इक्वली होगी. तो ये हमें गिवन है 26/39, ठीक है. तो ये अगर मैं 13 के टेबल पे कैंसिल करूं तो दिस इज इक्वल टू 2/3, ठीक है ना. तो ये पेरीमीटर जो होता है दिस इज आल्सो इक्वल टू द
साइड की रेशियो के भी इक्वल होता है, ठीक है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। बट हमें ये नहीं फाइंड करने को बोला था, यहाँ पर एरियाज फाइंड करने को बोला था। तो एरिया के लिए हमने बहुत अच्छी एक थ्योरम पढ़ रखी है अपनी बुक में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। जब एरिया हमें निकालना हो तो हमें एक साइड का क्या करना होता है, ए बी बाय पी क्यू जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, और उसका होल स्क्वायर। ये क्या होती है, थ्योरम कहती है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है ना। तो जो भी करस्पॉन्डिंग साइड है उसकी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमें ये पता है 2/3 है, तो ये आंसर आ जाएगा 4/9। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 20 व्हीकल्स हैं, कार्स एंड मोटरसाइकिल्स, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है, कार्स की और मोटरसाइकिल्स की, और टोटल व्हीकल्स कितने हैं, व्हीकल्स कितने हैं पार्किंग एरिया में, 20 व्हीकल्स हैं। तो लेट मान लेते हैं एक्स कार्स हैं और वाई मोटरसाइकिल्स हैं, ठीक है। तो यानी कि एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 20 हो गया, पहली इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी चीज, उसने व्हील्स की बात की गई है, कितने व्हील्स हैं टोटल, 56 व्हील्स हैं टोटल वहां पर। तो कार कितने व्हील्स, कितने व्हील्स होते हैं कार के, 4, और मोटरसाइकिल के कितने व्हील्स होते हैं, 2, है ना। तो अगर x कार्स है तो 4x हो गया, y मोटरसाइकिल्स है तो 2y हो गया, टोटल व्हील्स कितने हैं, 56 है। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं सॉर्ट कर सकती हूँ, 2 को कॉमन लेके, 2x प्लस y इज इक्वल टू 56, ये 56 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचा मेरे पास 28। तो मतलब मेरी सेकेंड इक्वेशन बन रही है 2x plus y is equal to 28। हमें फाइंड करना है यहाँ पर कार्स कितनी है, मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए हमें पूरा फाइंड नहीं करना है, हमें सिर्फ x से मतलब है, ठीक है। तो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, x plus y 20 के इक्वल है, 2x plus y 28 के इक्वल है। आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया, साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस है, एक प्लस करोगे एक माइनस करोगे तभी कट होंगे ना। तो ये हो गया माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 8, एक्स आ गया 8, यानी कि वहां पर कितनी कार्स थी, 8 कार्स थी, ठीक है। तो 8 कार्स मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो यहाँ पर बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमारे स्टैंडर्ड के पेपर में भी था। तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, अगर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, सो इट विल गो 15 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, इधर चला गया, ठीक है, इस तरफ 15 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ मतलब सीधा इस तरह जाएगा, ठीक है, 8 मीटर, एंड हमें फाइंड करना है कि हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अभी उसकी पोजीशन क्या है राइट नाउ, वो यहाँ पर है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से पोजीशन हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है, ओके। सो बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, ए बी सी मान लेते हैं इसको, ठीक है, या ओ मान लो आप, ठीक है, जो ओरिजिन पॉइंट हमारा होता है। तो हमने इसका फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, सो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ए बी क्या है, 8, और ये क्या है, 15, सो दिस इज 64, दिस इज 225, 289 हो गया, सो ए ओ स्क्वायर, सो ए ओ आ गया रूट 289, दैट इज 17, तो 17 मीटर है वो फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये ट्रिपलेट भी आप याद रख लो, 15, 8 और 17, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कुछ ट्रिपलेट्स अगर आपको याद होंगे तो आप मतलब बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। तो आपने जब भी ऐसे एल्टीट्यूड फाइंड करना है सो पहले फिगर बनानी है, ठीक है। सो मैंने ये फिगर बना ली, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो इसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है, पहली बात तो ये। और इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये डी यार ए डी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो अगर ये टोटल हमारा 8 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, 90 डिग्री पे ड्रॉप होगा, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो हमने AD की वैल्यू चाहिए, हमें बेसिकली हमें यहाँ पर एल्टीट्यूड निकालना है, तो AD हमारा एल्टीट्यूड है। तो हम किसी भी ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, चाहे आप ट्रायंगल ADC ले लो या ट्रायंगल ADB ले लो, वो एक आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, AB हो गया 8,
AD हो गया हमने निकालना है BD 4, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, AD स्क्वायर प्लस 16, 64 माइनस 16 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, तो ये हमने माइनस करेंगे तो 14 में से 68, 48 बचेगा इज इक्वल टू AD स्क्वायर, सो ये हो जाएगा रूट ऑफ 48, ठीक है, इसको हम ब्रेक करेंगे, सो ये ब्रेक होगा हमारा, हम इसका प्राइम फैक्टर्स में इसको ब्रेक करेंगे 24, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, ठीक है, सो ये ब्रेक हुआ 2 into 2 into 2 into 2 into 3, ठीक है, सो ये बाहर क्या आ जाएगा, 2, 2 के पेयर बाहर आ जाएंगे, सो हमारे पास 4 आया बाहर और अंदर बचा 3, सो 4 root 3 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर सीधा रूट 48 हमारे ऑप्शंस में होता तो हम वो टिक कर लेते हैं, बट उन्होंने सॉल्व किया हुआ है तो हमें सॉल्व करके उनको दिखाना पड़ेगा, मतलब हमें टिक करना पड़ेगा, 4√3 सेंटीमीटर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रामानुजन आर पुट इन द बॉक्स एंड वन लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर ओ इज ए इज, ठीक है, लेटर इसमें ए ढूंढना है, तो सबसे पहले हम ये यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, आर ए एम ए N U J A N, ठीक है, तो पहले टोटल लेटर्स गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 है हमारे टोटल लेटर्स है, अब हमें सिर्फ A की बात करनी है, 1, 2 and 3, 3 टाइम्स A अपियर हो रहा है तो 3 आ गया, सो आंसर इज 1/3 ऑप्शन नंबर डी, तो ये ऑप्शन क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 1/6 टू द एरिया ऑफ द सर्कल, सो व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल होता है थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल का, इज इसका मतलब इज इक्वल टू 1/6 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर सीधे सीधे कट गया और हमारे पास बचा क्या, थीटा बाय 360 इज इक्वल टू 1/6, इस 360 को इधर ले जाओ, 360 डिवाइडेड बाय 6, तो थीटा आ गया 60 डिग्री, तो हमें यहाँ पर डिग्री मेजर मतलब थीटा फाइंड करने के लिए ही कहा गया था, तो थीटा आ गया 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट शेडो, तो बेसिकली यहाँ पर एक स्टिक है और दूसरा टावर है, ठीक है, तो स्टिक ऑब्वियसली छोटी होगी और टावर इस तरह से बड़ा, पहले एक स्टिक और टावर बना लिए, अब पढ़ो दोबारा से, अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग, तो वर्टिकल स्टिक की हाइट हमें दे रखी है 20 मीटर लॉन्ग, कास्ट शेडो ऑफ 10 मीटर, ठीक है, तो ये शेडो कर रही है 10 मीटर, ठीक है, और एट द सेम टाइम टावर जो है कास्ट शेडो 50 मीटर लॉन्ग, ठीक है, तो ये कास्ट कर रहा है शेडो 50 मीटर लॉन्ग, तो ये इसकी जो टावर की शेडो है दिस इज 50 मीटर लॉन्ग, ओके, सो दिस इज योर टावर एंड 20 मीटर स्टिक, ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी, ठीक है, इसको मान लेते ई और हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल्स में हमें हाइट निकालने के लिए हमें पूरा कुछ भी गिवन नहीं है, क्योंकि देखो ये अगर 50 कोटा गिवन भी है बी डी तो एच बी फाइंड करना है, तो हमें हाइपोटेन्यूस भी नहीं पता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सके, तो जहां पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते वहां से सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट जरूर लगाएंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करेंगे, ई सी डी छोटे वाला ट्रायंगल, ठीक है, इज सिमिलर टू बड़े वाला ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि ए बी डी, ठीक है ना, ये बड़े वाला ट्रायंगल, यहाँ से जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे हमें रीजन पता है, हमें यहाँ रीजन मेंशन करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि एमसीक्यू पेपर है, ठीक है, तो रीजन क्या है, रीजन क्या है, एक तो ये डी डी जो है वो कॉमन एंगल है और ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, तो बाय ए ए सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे सिमिलर होंगे, ठीक है, तो नो नीड टू मेंशन द रीजन, बस हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखनी है, यहाँ पर ई सी बाय ए बी, ठीक है, सी डी बाय बी डी और यहाँ पर ई डी बाय ए डी, ठीक है, तो जिस जिसकी वैल्यू हमें पता है वो हम लिख लेते हैं, सो ई सी की वैल्यू है 20, सो ए बी की वैल्यू है एच, सी डी की वैल्यू हमें पता है 10 और बी डी की वैल्यू मुझे पता है 50, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 × 50 इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय 10, 20 × 50 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू एच, 0 0 कैंसिल, सो इट इज 100, सो हाइट ऑफ टावर इज 100 मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द इक्वेशंस। ये आपका स्टैंडर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन था, तो वहां पर आपको सिर्फ x प्लस वाई फाइंड करना था, तो मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि जब भी ऐसी कोई इक्वेशंस हो जैसे जिसमें कॉफिशियंट्स आपको यहाँ दिख रहे हो, जैसे यहाँ पर 37 है, यहाँ पर 43 है, और ये देखो यहाँ पर 43 और यहाँ पर 37 है, ऐसे कभी भी कॉफिशियंट्स हो तो उन इक्वेशंस को एक बार आपने ऐड कर देना है और एक बार आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। बस यही ट्रिक है ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने का, ठीक है। वैसे करते लोगे मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करोगे नहीं आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही ट्रिक है यहाँ पर कि ऐड कर दो पहले फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ जब ऐड कर रहे हो सो यू विल गेट 80x प्लस 80y इज इक्वल टू 7310 234240। तो अगर मैं 80 यहाँ से कॉमन ले लूं तो इट इज इक्वल टू 240, सो x प्लस y आ गया 3, ठीक है। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी बार मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट 37 प्लस 43y 123 माइनस करूंगी 43x 37y 170, साइंस चेंज, माइनस 6x माइनस 6y और ये माइनस करके आएगा हमारे पास 30 में 6 के 6, 30 में 7 के 6 और माइनस का सॉरी प्लस का 6, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ माइनस 6, x माइनस y इज इक्वल टू प्लस का 6, प्लस मेंशन करने की जरूरत नहीं है, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1, राइट। ये माइनस 6 उधर चला गया, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से दो इक्वेशन फिर से बन गई, अब तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल हो गई ये y और y, 2x हो गया, 2 बचा, 3 माइनस 1 2, तो x की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें x की वैल्यू 1 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी है, बट स्टिल अपनी तसल्ली के लिए आप y भी चेक करेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 2, अगर आपने ठीक निकाला है तो वही आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर सी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको सेक्शन सी में दो केस स्टडीज आएंगी जिसमें से आपके 10 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो केस स्टडी नंबर 1 में ये दिया हुआ है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो आपको ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इस तरह से फोर्थ लाइन्स गिवन है। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो आपने सिर्फ ग्राफ को ही चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये जितने भी पॉइंट्स लेबल्ड है वो मैं इनके सभी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेती हूँ, क्योंकि इसी से क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। सो हमारा जो डी पॉइंट है, सो दिस इज, सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए पॉइंट है आपका, ये देखो 1 डिस्टेंस पे है और ये 4 पे है, तो 1,4, ठीक है। सो ए का पॉइंट आ गया 1,4। बी पॉइंट है आपका, इसका 4 और 0, ठीक है। तो बी पॉइंट आ गया 4,0। सी पॉइंट है आपका 7,1, ठीक है, 7,1। सो डी पॉइंट है आपका, ये 3 जा रहा है, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से 5 जा रहा है, सो 3,5, ठीक है। और आपका जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, एम, तो एम आपका पॉइंट है 2,3, ठीक है, सो 2,3। तो ये मैंने पॉइंट्स जो मेरे ग्राफ में मेंशन थे वो मैंने लिख लिए। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 41, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए एंड कंट्री बी। सो ए और बी के हमें पॉइंट्स लिख लेते हैं हम यहाँ से। ए 14 है, बी 40 है। सो ए है 14 और बी है 40, ठीक है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला, सो डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर या वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, और यू कैन यूज एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो ये हम फाइंड कर रहे हैं ए बी का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगी 1-4, ठीक है, या फिर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ सेकेंड वाला, ठीक है। तो ये हमारा एक्स वन है, ये हमारा वाई वन है, ये हमारा एक्स टू है और ये हमारा वाई टू है। सो 4-1 का होल स्क्वायर, 0-4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। सो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, 9+16, ठीक है, रूट ऑफ 25, यानी कि 5 यूनिट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 42, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट पी जो है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द कंट्री सी एंड कंट्री डी। सो कंट्री सी और कंट्री डी से एक पॉइंट जो है, मान लेते हैं उस पॉइंट को पी,
और वो एक्स वाई उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो सी और डी 7, 1, 3, 5. सो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 1 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5. ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है तो मतलब पीसी का डिस्टेंस पीडी के डिस्टेंस के इक्वल होगा, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाले डिस्टेंस के इक्वल होगा, है ना. तो पीसी का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, और पीडी का डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब दोनों से हमें क्या हटाना है, रूट हटाना है. सो x माइनस 7 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर. ऐसा सेम क्वेश्चन स्टैंडर्ड वालों के लिए भी था, ठीक है ना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग ओपन कर लेते हैं, इक्वेशन बनानी है ना, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, सिंपल a माइनस b होल स्क्वायर लगाऊंगी सारी जगह पे. ठीक है, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 49 प्लस 1 कितना हो गया 50, 14x माइनस 2y, और इधर 9 प्लस 25 दैट विल बी 34 माइनस 6x माइनस 10y. ठीक है, तो यहाँ पर 50 माइनस 34, ठीक है, तो ये हो गया 50 माइनस 34 माइनस 14x प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10y इज इक्वल टू 0. ठीक है, 50 माइनस 34 16, ये हो गया 8x माइनस का और ये हो गया 8y. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 2 माइनस 2x एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. तो मेरे पास बेसिक इक्वेशन आ गई, 2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और इस x प्लस वाई को उधर ले जाती हूँ, ये माइनस x का प्लस x बन जाएगा और ये माइनस y बन जाएगा और ये इधर हो गया 2. तो आप देख लो कि कौन सी इक्वेशन आपकी मैच कर रही है. तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन रही है. सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43. फॉल्ट लाइन डिवाइड्स अ लाइन कंजॉइनिंग द कंट्री पी एंड कंट्री क्यू. ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनली इन द रेशियो, सो एक लाइन है पी 1, 3 पी कंट्री है और एक क्यू कंट्री है 2, 7, और यहाँ पर जो लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ठीक है, और यहाँ पर ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है. ठीक है, और इसको इसने k रेशो 1 में डिवाइड किया है, क्योंकि इंटरनली है ना इन द रेशो, और रेशो ही हमें फाइंड करनी है. तो जब इतने सारे वेरिएबल्स आपको अननोन हो तो आपने रेशो क्या सपोज करनी होती है, k रेशो 1 सपोज करनी होती है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है, तो वी विल अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था सिंपल तरीके से कैसे इसको याद करना है. m1x2 m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1y2 m2y1, m1 प्लस m2. ठीक है, ये होता है हमारा m1, ये m2, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2. ठीक है, बस पुट करो वैल्यूज, k इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 k प्लस 1, k इंटू 7 प्लस 1 इंटू 3, ठीक है, k प्लस 1. ठीक है, 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1. तो ये आ गया हमारा a पॉइंट. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये x के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाले. ठीक है, ये x है और ये क्या है, y है. तो ये लाइन को लाइन आ रही है ना, तो ये हमें इक्वेशन गिवन थी, इसमें हम x y की वैल्यू पुट करेंगे. माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और y की वैल्यू है 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1. माइनस 9 इज इक्वल टू 0. अब बस सॉल्विंग पार्ट है, ये मल्टीप्लाई करो, 6k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ठीक है, एलसीएम ले लो. सो k प्लस 1 6k प्लस 3 प्लस 7k
प्लस थ्री माइनस नाइन इंटू के प्लस वन, ठीक है यही आएगा, पर मैं इसको सीधे एक ही स्टेप में कर रही हूँ, नाइन के माइनस नाइन, राइट, ये आ गया आपके पास। अब मैं इसको इधर सॉल्व कर रही हूँ, सो सिक्स के प्लस सेवन के, थर्टीन के माइनस नाइन के, तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर के, थ्री प्लस थ्री सिक्स माइनस नाइन, ये हो जाएगा माइनस थ्री, और नीचे आ गया के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये इधर चला जाएगा, फोर के माइनस थ्री ये जीरो ही हो जाएगा, सो के विल बी इक्वल टू थ्री बाय फोर, ठीक है, तो आपका आ गया रेशो थ्री बाय फोर रेशो वन, है ना। सो अगर हम इसको करें तो थ्री रेशो फोर इसका आंसर है, तो इधर क्रॉस हो गया ना ये, ठीक है, तो थ्री रेशो फोर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कंट्री एम फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो एम के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास यहाँ पर, एम के कोऑर्डिनेट्स चेक करो 2.3, है ना, तो 2.3, और इसका हमें डिस्टेंस चेक करना है कहाँ से, एक्स एक्सिस से, तो ये हम ग्राफ से भी कर सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। तो ये देखो ये हमारा एम पॉइंट है ना, तो इसका हमें चेक करना है एक्स एक्सिस से कितना इसका डिस्टेंस है, तो ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी, ठीक है, इसका एम से कितना डिस्टेंस है, वन टू थ्री, ठीक है, तीन डिस्टेंस पे है ना, तो तीन डिस्टेंस पे है एम पॉइंट, तो सीधे ही आंसर है इसका एम, थ्री यूनिट्स, ठीक है ना। अगर बोला होता वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से टू डिस्टेंस पे दूर है, और एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस दूर है, थ्री यूनिट्स दूर है, तो थ्री यूनिट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कंट्री लाइंग इन द मिड पॉइंट ऑफ कंट्री ए एंड डी, तो हमें पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत अच्छे से, ए और डी के हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। सो ए के पॉइंट है 1.4 और डी के पॉइंट है 3.5, सो ए के पॉइंट है 1.4, ठीक है 1.4, और डी के पॉइंट है 3.5, और मिड पॉइंट इसका हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो बेसिकली मिड पॉइंट फाइंड करना है तो एक्स वाई, तो कौन सा फॉर्मूला होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, सो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 3 4 बाय 2 और ये हो गया 9 बाय 2, सिंप्लीफाई करोगे तो 2.9 बाय 2, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। So moving to the last question of this video, case study number 2, roller coaster polynomials, so ये chapter polynomials के ऊपर based है, ठीक है, तो इसका सबसे पहला question है, question 46, if a roller coaster is represented by the following graph, then name the type of the polynomial it raises, तो आपको मैंने बताया है कि polynomial जहाँ जहाँ पर x-axis पे cut करता है, उसकी उतनी number of zeros होती है ना, तो let us see this graph, एक 1, 2, and 3, तो 3 नंबर ऑफ जीरोस है इसकी, ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्राफ कौन सा है, क्यूबिक है, अगर 1 नंबर ऑफ जीरो होती तो लीनियर, 2 होता तो क्वाड्रेटिक, 3 होता तो क्यूबिक, एंड अगर 4 होता है तो बाइक्वाड्रेटिक होता है, ठीक है, तो इस तरह से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं पॉलीनोमियल को। क्वेश्चन 47, रोलर कोस्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ्स, व्हिच रोलर कोस्टर हैज मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोस, सो बात हो रही है यहाँ पर मोर देन 3 की, 3 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ग्राफ चेक कर लेते हैं, सबसे पहला वाला नंबर ऑफ जीरोस 1 है, दूसरे पे यहाँ पर 1 पे कट कर रहा है, तो ये भी नंबर ऑफ जीरोस 1 है, ठीक है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस पे चेक करना होता है, बाई पे जहाँ मर्जी कट करें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है, 3 नंबर ऑफ जीरोस है, बट हमें मोर देन 3 चाहिए, तो ग्राफ डी ऑप्शन चेक करते हैं, 1, 2, 3 and 4, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस 4 है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोस, ओके। Next question 48, if the roller coaster is represented by the cubic polynomial, then which of the following is always true? अब क्यूबिक बनाने रखने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या ट्रू हमेशा होना चाहिए, ये ट्रू हमेशा होना चाहिए, p should not be equal to 0, क्योंकि अगर p 0 हो जाएगा तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक, तो p कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी और कोई भी चीज 0 हो सकती है, बट p should not be equal to 0, ठीक है, तो ऐसे क्यूबिक बनाने के लिए ये जो p है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस कहां कहां एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है वो चेक करते हैं, 1, 2 and 3, सो नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 3, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका।
ठीक है, तो आपने बस इसको चेक करना है कि x एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द पार्ट ट्रेस बाय रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ, फाइंड इट्स जीरोस। तो जीरोस फाइंड करनी है हमने यहाँ पर। ऑप्शन में देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहली जीरो है -3, ठीक है, ये देखो -3। दूसरी जीरो है -1, और तीसरी जीरो है हमारी 2, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लो आप, ऑप्शन नंबर सी है ये। तो -3, -1 and 2 आर द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पाथ, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो आई होप आज के वीडियो के क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।